अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में वैसे स्टूडेंट जो इस बार सेलेक्ट हो गए हैं और अपकमिंग में भी जो भी एमयू में पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्कूल के कैंडिडेट्स हो, यानी 169 11 या 11th में भी ह्यूमैनिटीज आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड डिप्लोमा, इसके अलावा जितनी भी कोर्सेज वहाँ पे चलते हैं उन सभी के लिए एक स्कॉलरशिप है, जो कि हमने इससे पहले आपको अपडेट करा था, बताया भी था। मैं आपको इसमें फुल एंड फाइनल बताता हूँ कि क्या है एक्चुअल प्रोसेस, आपको करना क्या होगा। गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे, एनएसपी बहुत आसान है, कोई भी स्टूडेंट्स कर सकता है, बशर्ते कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स है देन आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं फिल कर पाएंगे। लेकिन ये याद रखें कि अगर आप उस स्कॉलरशिप को फिल करते हैं, मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता 100%, लेकिन 90% मान के चलिए कि आपका ये आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने इस स्कॉलरशिप को लिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसके कुछ बेसिक क्राइटेरिया अगर उसको फुलफिल करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये बहुत मतलब मैं हर सारे स्टूडेंट को जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। अब इसके बाद सिंपल क्या करेंगे, ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर सिंपली क्लिक कर लेंगे। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन दिखेगा। अब इसके बाद यहाँ पे करना क्या है, देखिए एक तो जिसे जितने भी मिनिस्ट्री से आप यहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्री के बिहाफ में स्कॉलरशिप बताए, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे, ट्रिबल अफेयर के कैंडिडेट्स के लिए भी, खैर जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, माइनॉरिटी वो खुद को समझ सकते हैं, वो सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्री मैट्रिक का जो डेट है वो खत्म हो गया है, और इसके बाद प्री मैट्रिक का वेरिफिकेशन चल रहा है, तो मतलब 169 कहानी खत्म है। यहाँ पे आप जो कहानी है वो 11th वालों के लिए, 11 साइंस आर्ट्स ह्यूमैनिटीज डिप्लोमा, इसके अलावा अपिंग में जितने भी कोर्स है, मतलब बी ए बी एस सी बी कॉम्स वो सारे, और इवन मास्टर्स के कोर्सेज पी जी डिप्लोमा सारे, तो इसका लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर देख लीजिए। और जो ओपनिंग टील जो है ना, ये असल में वेरिफिकेशन होता है इसमें, जैसे पहले आप फॉर्म फिल कर लिए, इसके बाद इंस्टीट्यूट यानी जहाँ आपने फॉर्म फिल करा है, जैसे इंस्टीट्यूट का मतलब मान लिया अगर एमयू के स्टूडेंट हैं तो आपका एमयू जो है इस फॉर्म को वेरीफाई करेगा, तो जब वेरीफाई करेगा तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरीफाई होता है, और उसके बाद फिर ये मतलब प्रोसेस है एक, और उस प्रोसेस में ही आपको पैसा मिल भी जाता है, वो आपको पता भी चल रहा होता है, लेकिन आपको बस अपडेटेड रहना होता है, देखते हुए रहना होता है कि हाँ भाई अभी क्या चल रहा है। तो उसके बाद क्या है कि आपको ये पता चल जाएगा। खैर ये तो मैंने आपको लास्ट डेट बता दी कि अभी के हिसाब से 31 दिसंबर लास्ट डेट है, जो बच्चे नहीं फिल किए वो फिल कर लें। अब इसके बाद करना क्या होता है, बेसिकली करना ये होता है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे इस तरीके का एक न्यू आइकन होगा। यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आप कोई भी यूट्यूब पे जाकर ढंग का कोई भी एक वीडियो देख लीजिए, जिसमें बताया गया हो कि हाउ टू अप्लाई फॉर एनएसपी स्कॉलरशिप सेशन 21-22, देन आपको वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कैसे देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ, पहले आपको बेसिक डिटेल फिल करना होता है, ये थोड़ा कहानी पड़ेगा, बहुत आसान है, मैं बहुत आसान कह सकता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स बस एक बार नहीं, कोई भी करने से पहले एक बार थोड़ा वीडियो देख लीजिए इधर उधर का, उससे आपको कंप्लीट आइडिया, ब्रीफ आइडिया लग जाएगा। देखिए ये कुछ बेसिक डिटेल है आपसे मांगा जा रहा है, जैसे कि जरूरी चीज़ें, एक तो आपका पासबुक चाहिए होगा, आधार कार्ड है वो भी चाहिए होगा, और दूसरा मार्कशीट हो गया, और बेसिक डिटेल जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब। और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो चाहिए होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बताते हैं। देखिए इनकम सर्टिफिकेट आपका, आपके फादर का कह लीजिए इनकम सर्टिफिकेट, और दूसरा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। देखिए जो यूपी बिहार के स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते होंगे, ये समझ रहे होंगे, अदरवाइज आप जिस भी स्टूडेंट्स के हैं आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए हाउ टू मेक अ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इन यूपी, इन दिल्ली, इन बिहार, तो ये वीडियो देख लीजिए, आपको वहाँ से ब्रीफ आइडिया लग जाएगा। एक स्टूडेंट्स आप इसमें नॉलेज रख सकते हैं। इसके अलावा इनकम हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, और अगेन जो है एक 4 पेजेस का पीडीएफ मिलेगा, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि उसका एक पेज अपलोड होता है इसी वेबसाइट पे, जब ये बेसिक क्राइटेरिया लिख देंगे यानी अपलोड कर देंगे, फिल कर देंगे, तो उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, फिर आपके मार्कशीट मांगे जाएंगे, और उसके बाद जो है आपके फीस स्लिप, यानी अभी जो जैसे आकर एमयू में पढ़ रहे हैं तो आपका एमयू का फीस स्लिप चाहिए होगा, और एक बोनाफाइड भी चाहिए होगा। बोनाफाइड का क्या सीन है वो मैं आपको समझा दूँ। देखिए एमयू अभी ऑफिशियली बंद है, स्टूडेंट्स के लिए बंद है, बट जो ऑफिशियल काम है वहाँ पे हर दिन चल रहा है, तो अगर आपका काम कोई रह गया, कोई बाकी है, तो वहाँ पे जाके करा सकते हैं, कोई भी जाकर करा सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये आप मत भूल में रहिए कि हाँ एमयू नहीं खुला है तो हमारा काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जाइए वहाँ पे आपका काम हो जाए, ऑफिशियल काम चल रहा है वहाँ पे, बट ये बस ऑफलाइन क्लासेस नहीं खुल रहा, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन बोनाफाइड का चक्कर ये है कि आपको इसी वाले वेबसाइट पे बोनाफाइड का एक पीडीएफ दिखेगा, डाउनलोड करके कहा जाएगा, भाई डाउनलोड करिए, डाउनलोड करते ही एक पेज आ जाएगा, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, यानी एप्लीकेशन नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर जो आपने फॉर्म अप्लाई किया उसका एप्लीकेशन नंबर, और एप्लीकेशन नंबर आने के बाद आपको वहाँ पे रोल नंबर डालना बोलेगा, तो कोई भी एक रोल नंबर अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, क्योंकि अभी तो आपको रोल नंबर मिला नहीं है तो वो उतना बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं, बट ये रोल नंबर आपको डालना ही पड़ेगा, ये कहना चारों में। अब इसके बाद रोल नंबर डाल लेने के बाद उसके बाद साइन कराना पड़ेगा, उस पर अपने एक फोटो लगाएंगे, और उसके बाद जहाँ जैसे अगर मान ली कोई एमयू में बीए का स्टूडेंट है तो वो अपने बीए का जो डीन है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वहाँ जाकर साइन कराना पड़ेगा। इस तरीके से जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जैसे 11th के हैं, अब 11th में साइंस वाले जो है तो साइंस का जो प्रिंसिपल हो गया वहाँ जाकर भिजवाइए, वहाँ साइन करवा लीजिए। इस तरीके से साइन कराने के बाद उसको सिंपली आप अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद एक फाइनल पेज मिलेगा, जैसे अब मान लीजिए कोई भी एक
गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करते हैं, तो फाइनल एक पेज मिलता है, तो उस इस तरीके का फाइनल पेज मिलेगा, उस पर भी साइन करके डिटेल साइन ही करवाना होता है, मतलब खुद का भी साइन होता है और प्रिंसिपल का भी या डीन का भी साइन होता है। जो अब से स्कूल वाला है तो वो प्रिंसिपल का साइन करेंगे, और जो बीए वगैरह के हैं, मास्टर्स वगैरह के हैं, तो अपने डीन या हेड से कराएंगे। तो वो साइन कराने के बाद आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करा है, पासबुक से लेकर इनकम सर्टिफिकेट, वो सारा डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपको जिस हर यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में या हर स्कूल में कह लीजिए, एक डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिस होता है, वहाँ जाकर उसको आपको सबमिट करना होगा। बस यहीं तक आपका कहानी है। बस सबमिट करने के बाद आप इंतजार करिए मैक्सिमम 10 to 15 days, जो डेट दिया गया, जैसे इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का मैक्सिमम जो है 15 जनवरी तक है, तो आपको 15 जनवरी तक आपको वेट करना है, मतलब 15 जनवरी तक अपडेटेड ही रहना है। उस टाइम तक वेरीफाई हो गया, इसका मतलब है कि आपका वहाँ से पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया कि हाँ भाई आप स्कॉलरशिप मिलेगा, पहले वो वेरीफाई होगा, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट पे होगा। इस तरीके से ये है प्रोसेस। बाकी मैं कहूँगा तब तक के लिए आप यूट्यूब पे और भी जो भी वीडियो देख मिलता है आप उससे रिलेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लीजिए। बट आपको डेफिनेटली बता दूँ कि आपको पैसा मिलेगा, लेकिन हाँ ये पैसा कोई फिक्स नहीं है, मैं रिमाइंड कर दूँ। कोई बच्चे पूछते हैं पैसा कितना मिलेगा, ये कोई फिक्स नहीं है, मगर याद रखिए ये आपके इनकम और दूसरा 10th या 12th की जो मार्कशीट आपने अपलोड करा वो मैटर करता है थोड़ा। किसी को 5 से 7 हज़ार भी मिलता है, किसी को 10 से 12 हज़ार भी मिलता है, तो ये यही कुछ बेसिक क्राइटेरिया जिस पर डिपेंड करता हूँ। बाकी अगर किसी स्टूडेंट्स को क्वेरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे वो मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।